हाँ चले गए दादा, को समझ में नहीं आ रहा है। हैं जीवा, आज तुम लोग बड़ी जल्दी आ गए। अरे दादा बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? बात यह है कि मेरे मस्तिष्क में एक उपाय है। क्या उपाय? और वो उपाय ये है कि रत्नाबाई के घर के आसपास नरसी के भजन का आयोजन कर दिया जाए बस। अरे बेवकूफ, जहाँ बादशाह की चाल चलनी होती है ना, वहाँ तुम हमेशा प्यादे की चाल चल देते हो। तुम हमेशा खेल बिगाड़ देते हो। तुम्हारी ये पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। दादा आप समझते क्यों नहीं हो, रत्नाबाई नरसी के भजन के आयोजन में अवश्य आएगी, और आएगी तो उसे बाहों में भरकर पानी पिलाना नहीं भूलेगी। वाह क्या तिकड़म थी! कभी कभी तुम्हारी तिकड़म भी तुरूप के इक्का साबित होती है। समझे ना दादा। इसी बात पर तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। वो क्या है? रंगीली की खबर आई है कि वो कल आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उसे तुम्हारे यहाँ ही ठहराते हैं? अरे नहीं नहीं दादा, मरवाओगे क्या? उसके नाम से हमारे क्या, हमारे तो पुरखों की भी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा ये सब छोड़ो, इस बात पे फिर विचार करेंगे। अच्छा जीवा, तुम अपने घर पे नरसी के भजन का आयोजन करो। रत्नाबाई अवश्य आएगी वहाँ, तो उसे पानी पिलाने का मौका भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ गया दादा, समझ गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। दो शिकार। अच्छा मैं अभी जाता हूँ। भगत जी, मेरी इच्छा थी कि आपके भजन का गुणगान आज मेरे घर पर हो। भजन तो अवश्य होगा, परंतु किसी और दिन, आज यहीं पर होगा। भगत जी, आपके भजन का गुणगान आज मेरे घर पर होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। भगत, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे यहाँ भजन अवश्य होगा। मेरा यह वचन है, पर आज यहीं पर होगा। जैसी आज्ञा। रखियो लाज हमारी गिरधारी, रखियो लाज हमारी श्याम बिहारी मुकुटधारी, श्याम बिहारी मुकुटधारी बिहार।
सुशासन का गर्व मिटायो, रखियो लाज हमारी गिरधारी, रखियो लाज हमारी। तुम पर ऐसे ही बरसती रहे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए यहाँ बैठिए। बेटा, मैं गांव वालों और नाहर जाति के झूठे दम भरने वाले लोगों से कह दूंगा, तुम्हें परेशान ना किया करें। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। सत्यम काका, अभी अभी आपने देखा होगा, रत्ना मामी ने लक्ष्मी को अपनी बाहों में भरकर पानी पिलाया है। अरे चुप कर मूर्ख श्रोमणी, रत्ना ने नरसी की सेवा करके अपना परमार्थ सिद्ध कर लिया है, और तू गौवे की तरह काए काए करके क्यों नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। काका जी,
हम सब आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, परंतु इस बात का फैसला मुंशी बाबू से करवाएंगे। चलो दादा चलो। चिंता मत कर बेटा, तेरा काका तेरे साथ है, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ठीक है बेटा। लोग आ गए हैं, रंगीली आने वाली है, उसके ठहराने के बारे में कुछ सोचा आपने? तेरी जवानी के नाम। रंगीली भाई, हमारे गांव में ढोंगी साधु आया हुआ है और उसने मोहिनी मंत्र से सबको अपने वश में कर लिया है।